अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की यूजी कोर्सेज की काउंसलिंग यहां पे चल रही है, यानी कि एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो आज पहला दिन था काउंसलिंग का। तो यहां पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को इशू आ रहा है कि फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, कि फ़ी कितनी है और उसके साथ साथ कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स यहाँ पर वैकेंट है कोर्स वाइज, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल पर अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट की कितनी फी यहां पे आपको रहने वाली है। तो बीकॉम की अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, उसमें यहां पे 10,490, यानी कि बीकॉम अगर आप करना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन हो या एसपीएमआर कॉलेज हो, तो उसमें आपको 10,490 रुपए, यानी कि 10,500 आपको फर्स्ट ईयर की फी आपको देनी पड़ती है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन जो है उसमें बीकॉम के लिए 82 सीट्स हैं, उसके साथ साथ एसपीएमआर कॉलेज है इसमें 408 सीट्स हैं। तो बात कर लेते हैं हम बीबीए की, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें जो है यहाँ पे फी आपको 16,160 रुपये आपको वन ईयर की फ़ी पे करनी होती है। ठीक, कॉलेजेस की अगर हम बात करें, एसपीएमआर कॉलेज है, उसके बाद एमएएम कॉलेज है। तो सीट्स अगर हम देखें एसपीएमआर कॉलेज की, उसमें 31 है, उसके बाद एमएएम कॉलेज में 20 सीट्स हैं। तो बीकॉम की फ़ी जो आपको रहने वाली है वो 16,160 रुपीज़ आपको बीकॉम की फ़ी रहने वाली है। तो बात कर लेते हैं हम जनरल कोर्सेज का, यानी कि अगर आपको जनरल कोई कोर्स करना, ऑनर्स आपको पता है कि अब ऑनर्स ही होता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो उसमें जो आपकी फ़ी रहने वाली है वो आपको 10,000 से 10,500 के आसपास वहाँ पे रहेगी, यानी कि 10 to 10.5 आपको वहाँ पे रहेगी, यानी कि 10,500 या 10,000 के आसपास, मतलब 10,000 के आसपास आपको फ़ी जो है वो जनरल कोर्सेज के लिए रहेगी। तो बात कर लेते हैं हम अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के बारे में मैं ऑलरेडी पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, देख लेना उधर। उसको अगर मैं डिस्कस करूंगा तो लंबा हो जाएगा, कोर्स वाइज है, वो मैंने शेयर भी किया है शायद, दोबारा से मैं कोशिश करूंगा अभी शेयर करने की। उसके साथ साथ सेकंड राउंड जो है वो उस केस में आपको एक कॉलेज मिलेगा अगर फर्स्ट राउंड में सीट्स, यानी अगर आज सीट्स वैकेंट रही तो कल के कैंडिडेट्स को वो अलॉट कर दी जाएंगे, उसमें सीट्स वैकेंट रही तो परसों के कैंडिडेट्स को सीट्स जो है वो अलॉट कर देंगे। तो इन केस अगर किसी कैंडिडेट का यहां पे एडमिशन नहीं हो रहा है तो वो सेल्फ फाइनेंस में अपनी जो है एडमिशन यहां पे कर सकता है। तो सेल्फ फाइनेंस में क्या होता है कि उसमें आपने अगर यहां पे आपकी कट ऑफ में नहीं आते हो तो आप सेल्फ फाइनेंस में ले सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस में आपको फी जो है वो वहां पे ज्यादा देनी पड़ती है। तो दिखा देता हूं मैं आपको सेल्फ फाइनेंस का क्या यहां पे रहने वाला है। अगर आपको बीसीए करना है, आपको फर्स्ट ईयर की फीस 21,860 रुपीज आपको फी फर्स्ट ईयर की देनी है, उसके साथ साथ 60,000 आपको जो है सेल्फ फाइनेंस की सीट के लिए देने पड़ते हैं, एक ही बार ये आपको देना पड़ता है। उसके बाद बीबीए का यहां पे 16,160 है और 60,000 आपको जो है एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसके बाद मेजर होम साइंस या मैथमेटिक्स अगर आप लेना चाहते हैं सेल्फ फाइनेंस में तो यहां पे 11,640, उसके साथ साथ 60,000 आपको यहां पे सेल्फ फाइनेंस की देनी पड़ेगी। बाकी का यहां पे आप देख सकते हैं 10,490 आपको कॉमर्स में रहने वाला है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो भी ह्यूमैनिटीज विदाउट प्रैक्टिकल है उसमें भी 10,400, उसके बाद सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज विद प्रैक्टिकल है 11,640, बायोटेक्नोलॉजी में 14,440 और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 14,440। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो होंगी सेल्फ फाइनेंस में वो आपको 60,000 यहाँ पे देना होता है। तो फी कैसे देनी होती है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अपनी आईडी आपको लॉगिन कर देनी है, लॉगिन करने के बाद नीचे आप आ जाओगे, जो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा उधर यहाँ पे आपको दिखेगा कितनी फी है उसकी। फॉर एग्जांपल अगर हम एमएएम कॉलेज की सोशियोलॉजी की ब्रांच यहाँ पे एक कैंडिडेट को मिली है, उसको यहाँ पे 10,490 जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला जनरल के कोर्सेज का 10,000 है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको अलॉटमेंट फॉर्म अपना डाउनलोड कर देना है, उसके साथ साथ जो रैगिंग फॉर्म है वो डाउनलोड कर देना है, देन उसके बाद यहाँ पे आपने फी को जो है उसको यहाँ पे कर देना है। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया फीस स्ट्रक्चर के बारे में, एंड आई होप अभी कंफ्यूजन कोई नहीं रहा होगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन डाउट है इसकी काउंसलिंग के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।